मैच जीत गए. अफगानिस्तान मैच जीत गए. विकेट दे टेकन द लास्ट विकेट. अफगानिस्तान हैज वन द मैच एंड दे आर इनटू द सेमीफाइनल्स नाउ. सो ये है T20 वर्ल्ड कप का एक और सनसनीखेज मुकाबला एंड अफगानिस्तान हैज मेड इट टू द सेमीफाइनल्स ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2024. ऑस्ट्रेलिया इज आउट एंड अफगानिस्तान इज इन. हम यही अभी बात कर रहे थे. जो नवी विकेट गिरी थी ना वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि आखिरी 10वीं विकेट प्रॉब्ली गिरी है या नहीं गिरी है ये मैं कंफर्म करता हूँ. लेकिन डीएलएस मेथड नहीं नहीं हो गई ना. हाँ जी हो गया ये मामला. और अफगानिस्तान हैज मेड इट टू द सेमीफाइनल्स ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2024. भाई व्हाट अ सनसनीखेज मुकाबला. जबरदस्त किस्म का मैच. एक बहुत ही लो स्कोरिंग टोटल था जो अफगानिस्तान ने बनाया था इस मैच में. 115 रन बनाए थे टोटल और जीतने के लिए 116 रन दरकार थे बांग्लादेश को. उन्होंने टारगेट ये दिया था लेकिन साथ ये भी पता था कि हम बड़े आराम से तो नहीं बट फाइट करके. वैसे फाइट मतलब नौ उड़ा दी है उनकी पूरी टीम खत्म कर दी है उन्होंने. तो आई एम सॉरी यार बैठे हुए तो यही लगता है कि आराम से. आई बिलीव आई स्टिल बिलीव इट कुड गो ईदर वे. और बांग्लादेश ने भी अपनी मतलब लुक एट देयर हैप्पीनेस. उनकी खुशी मुझे पता है. उनकी खुशी में खुशी हो रही है. आई रियली लाइक द फैक्ट देयर टीम हैज वर्कड हार्ड ओवर द इयर्स और स्पेशली इन दिस टूर्नामेंट तो कोई जबरदस्त किस्म का इन्होंने प्ले दिखाया है. बड़ी बड़ी टीमों को इन्होंने हराया है. इससे पहले इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया धूल चटाई. अब इन्होंने बांग्लादेश को हराया. अब बांग्लादेश नहीं बना. आप ये सोचिए ऑस्ट्रेलिया हु आर द चैंपियंस ऑफ द वन डे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप. आपको पता है कि मोस्ट ये जो वर्ल्ड कप है जितने मोस्ट विनिंग्स ऑस्ट्रेलिया की ही हुई है. ऑस्ट्रेलिया इज द कंट्री दैट हैज वन दिस चैंपियनशिप द मोस्ट टाइम्स. द मोस्ट टाइम्स दे कुड नॉट मेक इट टू द सेमीफाइनल्स इवन दिस टाइम. सो या इंतहाई इंटरेस्टिंग मुकाबले के बाद अफगानिस्तान ने पहली बार वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है. और वो जो पहली बार वाला अंसर है वो जज्बात में भी झलक रहा है. बहुत से खिलाड़ी और इवन द फैंस इन द स्टेडियम जज्बाती नजर आ रहे हैं. खुश रहे हैं. आंखों में आंसू हैं. सर वजूद हुए. मतलब आई एम श्योर जस्ट लुक एट राशिद एंड एवरीबॉडी एल्स इन द टीम दे कैन नॉट स्टिल बिलीव इट एंड जस्ट दे आर सो इलेटेड. मैं ऑनेस्टली इनकी खुशी फील कर सकती हूँ. आई विश इट वॉज अस हियर बट एनीवे चले हमारे नेबर हैं. वी आर वेरी वेरी हैप्पी फॉर देम. और हम तो वैसे ही बड़े अच्छे नेबर हैं. दे हैव रियली वर्कड हार्ड ओवर द इयर्स. आपको पता ही है जब से इन्होंने अपने आप को बड़ा प्रोमिनेंट किया. इन्होंने अपने आप को मनवाया है बेसिकली ये कहना सही होगा. इन ऑल दीज एलीट टीम्स. So Australia is there. Afghanistan ne apna Australia is not there. England is there at the semi-finals. India is there in the semi-final. South Africa is there in the semi-final. Aur ab Afghanistan is there in the semi-final. So ye hain char teams jo ke semi-final tak pahunchi hain. England, India, South Africa and Afghanistan. भट्टी साहब क्या हाल है आपका. भट्टी साहब क्या कहेंगे अफगानिस्तान की फिनोमिनल विन के हवाले से. तारीख में पहली दफा सेमीफाइनल तक पहुंचे. बड़ी लंबी जर्नी है अफगानिस्तान की क्रिकेट में लेकिन इस वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने जिस तरह परफॉर्मेंस दी और आज जिस तरह मैच ऊपर नीचे हुआ बारिश भी आती रही फिर मैच रोका भी गया लेकिन मेरे ख्याल में अफगानिस्तान ने जितनी मेहनत की थी वर्ल्ड क्रिकेट में उन्होंने बहुत सारे मैचेस भी हारे हैं लेकिन पिछले साल अक्टूबर में जब चेन्नई में उन्होंने पाकिस्तान को हराया तो मेरे ख्याल में वो टर्निंग पॉइंट ऐसा था जिसने फिर अफगानिस्तान की टीम को टेक ऑफ दिया लेकिन उनके प्लेयर्स दुनिया भर की लीग में खेल रहे हैं वो उनको तजर्बा है लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो इस वक्त हम टेलीविजन स्क्रीन पर भी यहाँ मैचेस आ रहे हैं देख रहे थे जोनाथन क्लॉट जो उनके इंग्लिश कोच हैं वो तकरीबन को 3 साल हो गए कि अफगानिस्तान की टीम के साथ है. फिर ब्रावो रिसेंटली उनके बॉलिंग कोच बने तो अफगानिस्तान के मेरे ख्याल में राशिद खान ले लें मोहम्मद नबी ले लें गुलबद्दीन नायब ले लें फिर उनके मुजीब है और जितने भी लड़के पिछले 3-4 साल से खेले तो कंसिस्टेंसी जो है
वो मेरे ख्याल में उनको जीत की तरफ ले जा रही है। लेकिन बहरहाल एक अफगानिस्तान में एक तारीख साज दिन के आज उनकी मेहनत बिलाखिर रंग लाई और एक बड़े टूर्नामेंट में जिसमें बड़ी बड़ी टीमें आउट हो गई, आज ऑस्ट्रेलिया का भी सफर खत्म हुआ, बांग्लादेश की टीम जीत के करीब आकर ना क्वालिफाई। अच्छा भट्टी साहब, स्टार प्लेयर ऑफ दिस मैच आप किसको कहेंगे? राशिद खान को जिन्होंने बॉलों पे 19 रन भी किए, मतलब किसको आप कहेंगे कि ये इनका स्टार प्लेयर है? देखिए नो डाउट राशिद खान जो है वो इसमें कोई शक नहीं है कि कप्तान भी है, बॉलिंग में भी जहां टीम को मुश्किल पड़ती है वो आते हैं, तो मेरे ख्याल में राशिद खान ही उनके स्टार नो डाउट भी रहे, क्योंकि 115 के टोटल पे 19 रन बहुत मानी रखते हैं और जहां चार विकेट भी ले लें तो वही कप्तान भी है, स्टार भी है, मतलब इट हैज बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी, अ थ्रिल टू वॉच, अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी एज वेल। सो शुरू में हम अक्सर ये बात करते थे भट्टी साहब के अफगानिस्तान की टीम बहुत से मौकों पर मैच जीतने के करीब आ जाती है लेकिन नर्वस हो जाते हैं और फिर मैच उनके हाथ से निकल जाता है, लेकिन दिस टाइम हमें टेम्परमेंट का भी एक फर्क नजर आया। भट्टी साहब थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, और राशिद खान की परफॉर्मेंस और अफगानिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के बाद बड़ा ही दिल चाह रहा है कि काश हमारा भी कोई स्टार ऑलराउंडर होता जो ऐसी परफॉर्मेंस दिखाता।